हेलो, गुड इवनिंग गाइज, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और शाम के बजे हुए 6:30। आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी जस्ट मैं नहाई हूँ और नहाने के बाद आप देख रहे होंगे कुछ अलग दिखाई दे रही हूँ, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ मेरे हस्बैंड के मामा के घर पर। क्यों जा रही हूँ वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जो सैनिवास धाम है ब्लूट बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, तो वहाँ पर झाड़ा वगैरह लगाते हैं, तो वहाँ पर जा रही हूँ मैं, क्योंकि मेरी बैक पेन है और वो दर्द के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब माना जाता है, मामी लोग वगैरह सब जाते हैं, तो मैं जा रही हूँ इसी वजह से। रात को 10 बजे निकलेंगे हम, अभी यहाँ से जाऊँगी, फिर वहाँ से 10 बजे के लिए उन्होंने बस वगैरह बुक करवा रखी है, काफ़ी ज़्यादा लोग जाते हैं तो उनके साथ ही मैं जाऊँगी, काफ़ी दूर है, कल तक आऊँगी। तो व्लॉग को देखती हूँ, अगर वहाँ पर कंटिन्यू कर पाई तो आपके साथ जरूर शेयर कर। तो दोस्तों, मैं सैनिवास धाम पहुंच गई हूं और सुबह के बजे हुए हैं, 2:45 बजे का टाइम है और इस तरह से भीड़ लगी हुई है, मैंने कभी सोचा नहीं था ज़िंदगी में भी इतनी ज़्यादा भीड़ होगी। आप देख सकते हैं रात के टाइम पर भी कितनी ज़्यादा चहल पहल है, हर कोई अपने कष्ट को लेकर यहाँ पर आया हुआ है। और आगे भी वीडियो में मैं आपको दिखाती रहूँगी, जो क्लिप बनाऊँगी। और ये कुछ दुकानें निकाली हुई है जहाँ पर आपको खाने पीने का सामान, प्रसाद, कोल्ड ड्रिंक, चाय, फ्रूट्स वगैरह मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रात को ही ज़्यादातर लोग आते हैं, तो रात को यहाँ पर सोने की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन ज़्यादातर जनता अपने मतलब दरी वगैरह साथ लेकर आती है, तो कुछ इस तरह से मतलब सोई भी रहती है, आराम करती है, क्योंकि जो बाबा का आशीर्वाद का टाइम है वो सुबह के समय का है, 5 बजे 7 बजे 8 बजे, पता नहीं किस टाइम पर आएंगे, तो सारी दुनिया यहाँ पर इंतज़ार कर रही ही है। और कुछ इस तरह का नज़ारा है, और मैं ये वीडियो एडिटिंग बाद में कर रही हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ बहुत सारे लोग इस चीज़ को पाखंड समझते हैं, अगर ये पाखंड होता ना सच में तो इतनी जनता कभी भी नहीं आती। एक्चुअली में इसके आशीर्वाद में इतनी ज़्यादा शक्ति है, और अगर मैं अपनी स्पेशली खुद की बात करूँ तो मैंने सच में अपना गांव का ही है, 30 से 40% मेरे को फ़र्क है, और जहाँ इतनी परेशान थी मैंने बहुत सारे हकीमों को और डॉक्टरों को दिखाया था, मेरे को कोई फ़र्क नहीं हो रहा था, तब तक मैं दवाई लेती तब तक ठीक थी, लेकिन मेरे को पहले ही झाड़े में बहुत आशीर्वाद कह सकते हैं, झाड़ा नहीं लगाते बाबा आशीर्वाद देते हैं सबको, तो आगे का नज़ारा भी आप देखते रहना। तो मैंने कुछ ही क्लिप बनाई थी, वो आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। और ये यहाँ पर आशीर्वाद का टाइम हो गया था, जनता एक इकट्ठी हो गई थी, सभी बैठ कर आशीर्वाद देते हैं बाबा छत के ऊपर से। इस तरह से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ आरती वगैरह हो रही है, लगभग 2 घंटे तक बाबा ने आशीर्वाद दिया। भूत प्रेतों का भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर वो रहता है, जितने ओपी ट्राई वगैरह का सिस्टम होता है वो आगे बैठे रहते हैं, इतने ज़्यादा मतलब होता है, आपको आगे दिखाऊंगी कि एक बनाई थी मैंने, थोड़ा डर भी लगता है बट ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर आप श्रद्धा रखते हैं, कोई भी काम हो अगर आप श्रद्धा के साथ करते हैं, मन में एक आपको विश्वास होता है, तो वहीं पर आपके काम पूरे होते हैं, चाहे वो आप डॉक्टर की दवाइयाँ लेकर देख लें, चाहे आप कहीं भी, जब तक आपके मन में विश्वास नहीं होगा तो वहाँ पर दवाइयाँ भी काम करना छोड़ जाती हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि बाबा का आशीर्वाद है, अगर आप सच्चे मन से आते हैं बाबा का नाम लेकर, तो आपकी हर बीमारी 101%, इतनी दूर दूर से जनता आ रही है, बिहार तक की जनता यहाँ पर आई हुई थी, कुछ लोग झारखंड से, पंजाब से, तो बसे घर घर पर आ गए थे, पंजाब साइड से तो बहुत ज़्यादा लोग थे। देख सकते हैं आप लोग बाबा का आशीर्वाद, भगवान की ही देन है, भगवान की ही कृपा है, जिसकी वजह से मतलब बाबा सबको आशीर्वाद देते हैं और लोग ठीक हो रहे हैं। बाबा खुद ही कहते हैं मुझे नहीं पता कौन कितना ठीक हो रहा है, कौन क्या बीमारी ठीक हो रही है, बट लोग कहते हैं, तो मैं सोचता हूँ सच में कुछ तो शक्ति है, तो आप खुद ही सुन लीजिए आगे बाबा के विचार। Oh my god!